नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक बिटन ऑल और मैं हूँ आज आपके साथ बितन। तो दोस्तों, आप अगर अपनी एरिया में या अपनी लोकेशन पे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का CSP ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे पूरा डिटेल शेयर करूँगा कि आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, किससे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसका कमीशन क्या रहेगा, आप लॉगिन कहाँ पे आपका करना पड़ेगा, A to Z मैं क्लियर करूँगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, राइट। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रेड कलर की जो बटन है सब्सक्राइब का, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक बितन ऑल को, और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को। इसमें होगा ये कि मैं जब भी डालूँगा कोई नई वीडियो, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ICICI और एक्सिस बैंक। तो इस बैंक का जो CSP है, इसको ओपन करने में आपका टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा मान के चलिए 30 days to 40 days, राइट। बट इससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। 30 to 40 days के अंदर CSP ओपन हो जाएगा। जो CSP आपको मिलेगा प्राइवेट BC के माध्यम से दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा प्राइवेट BC के माध्यम से, राइट। तो अभी हम इसका कमीशन के बारे में जानेंगे। एक्सिस बैंक और ICICI का जो कमीशन है वो सेम ही है, तो इसके कमीशन के बारे में अभी हम जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी में आपको कितना मिलेगा। 1 रुपये से 100 रुपीज़ तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आप 101 रुपये से 1000 के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको कितना मिलेगा, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू अकाउंट ओपनिंग में आपको कितना मिलेगा, आधार कार्ड लिंक में आपको कितना मिलेगा, राइट। और यहाँ पर ICICI बैंक और एक्सिस बैंकों का जो कमीशन है ये सेम ही है। आप चाहे तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो अभी दोस्तों बात करते हैं लॉगिन कहाँ करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है प्राइवेट BC के माध्यम से आपको CSP प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए आपके एरिया में एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का कोई ब्रांच हो या नहीं हो ये मायने नहीं रखता। अगर आपके लोकेशन पे 1 किलोमीटर के अंदर अगर एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का CSP है ऑलरेडी आपके लोकेशन पे अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिए, राइट। और दोस्तों इसको लॉगिन होना पड़ेगा ये जो प्राइवेट BC का जो बैंक ऑथोराइज होता है ना। सपोज़ मान लो किसी एक प्राइवेट BC है, उसको तो बैंक से ऑथोराइज मिला, उससे बाद ही तो BC का काम स्टार्ट करेगा, राइट। तो उसी प्राइवेट BC का जो ऑथोराइज वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन होके आप सारा का सारा काम कर सकते हैं। वहीं से आप न्यू अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और आजकल का जो न्यू अकाउंट ओपन हो रहा है वो आधार बेस लिंक पर ओपन हो रहा है, राइट। तो आप उसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होके आप अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं और जो कि ऑथोराइज है, राइट। तो आपको वही से लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सिस बैंक का भी ICICI बैंक का भी, जो आपका प्राइवेट BC का ऑथोराइज वेबसाइट रहेगा वही से ओपन करके आप अकाउंट न्यू अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, डिपॉजिट विदड्रॉ सारा का सारा काम कर सकते हैं। और इसमें आपका APS का जो सिस्टम रहेगा वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा दोस्तों। इस बैंक की CSP अगर आपके पास है तो आप किसी भी बैंक का खाता हो तो उस खाते से मनी को डिपॉजिट विदड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, राइट। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको ये लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, किसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों मेरा एक जाना माना एक कंपनी है, राइट, GBB स्मार्ट मार्केटिंग करके, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आप चाहे तो वीडियो के यहाँ पर पॉज कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं उनका व्हाट्सअप नंबर भी है और भी मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। इसका जो ऑफिस है ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आप चाहे तो इनका ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं या आप इसे ओवर फोन बात भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरा जानकारी में यही था, अगर आपकी जानकारी में कोई अच्छा खासा प्राइवेट BC कंपनी है जो कि ट्रस्टेड है, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्कैम पर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो लॉगिन का जो सिस्टम रहेगा जो आपको जेन्युइनली मिलेगा वो मैं आपको पहले कह देता हूँ कि प्राइवेट BC का जो बैंक ऑथोराइज वेबसाइट रहेगा, राइट,
आप वही से आपको लॉग इन करके ये जो बैंक का जो न्यू अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट विड्रो सारा का कर सकते हैं। और कमीशन का जो चार्ट है वो आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक रहेगा, आप वही से इसको लॉग इन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, राइट। और आपकी जाना माना कोई कंपनी है बीसी है प्राइवेट बीसी अच्छा खासा, तब तो उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन आप स्कैम वैम के चक्कर में मत पड़िए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरे से खुद अगर मेरे को कुछ कहना है तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए। हाँ मैं बिज़ी रहता हूँ लेकिन मैं एकदम 100% मैं ट्राई करता हूँ आप सभी लोगों को रिप्लाई देने में, राइट। लेकिन आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ओपनली मत डालिए दोस्तों, हो सकता है कल मेरा ही नाम लेके आपसे कोई स्कैम बम करे, ऐसा हो सकता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि उनका पैसा फंस चुका है दोस्तों, देखिए, राइट। तो आप कमेंट कीजिए लेकिन अपना मोबाइल नंबर मत डालिए, अगर देना ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मेल आईडी है, आप वही से मुझसे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर एक्सिस बैंक का CSP और ICICI बैंक का CSP लेना है तो उसका जो प्रोसेस वो मैंने क्लियर कर दिया। अभी लास्ट जो एक जो बचा हुआ पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। नंबर वन आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो कि करेंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत लोग कहता है कि सर मेरे पास तो सेविंग अकाउंट है, तो आप सेविंग अकाउंट से काम शुरू तो कर सकते हो लेकिन भाई आपको करेंट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, किसी भी बैंक का हो वो मायने नहीं रखता, राइट। उसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ, आपका जो करेंट फोटो चल रहा है और करेंट फोटो आपको एक चेक देना पड़ेगा। लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिनिमम 10 पास होना चाहिए दोस्तों, राइट। सॉरी ये थोड़ा वॉइस आ गया। तो आपका जो करेंट फोटो फोटो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है मिनिमम 10 पास तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन, राइट। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना दोस्तों। और जरूर से मैं आपको फिर से कह देता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर की जो बटन है वहाँ पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टिक बितन ऑल चैनल को दोस्तों, राइट। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।